जी आज ये मैं खासा को बता, मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं करता और टाइटल पढ़ के बहुत से लोग नहीं आते कि यार ये कम्युनिकेशन इसमें कौन सी बात है, बात तो कर रहे हैं हमें आती है बातचीत करनी। तो आई मेरा मकसद ये होता है कि जब आप करेंगे तो ये पार्टिसिपेटिव होगा, दोनों तरफ से होगा और इंशाल्लाह मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप सो के दिखाएं। इसलिए नहीं कि चौधरी साहब बैठे हैं, अगर खान साहब बैठे हैं तो पीछे गोली मारेंगे कि कौन सोया, इसलिए नहीं जागना। मेरी ऑब्लिगेशन ये है कि मैंने वैसे आपको जगाना है, आई कीप यू सो मच एंगेज्ड, आई ट्राई टू, मैं कोशिश करूंगा कि आप सोना चाहें भी तो ना सोएं और तभी कनेक्टिविटी होती है, अदरवाइज सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए तो फिर बहुत सारे ऑप्शन। अल्लाह के नाम से शुरू हो चुके हैं तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा जी, रियल टाइम स्टोरी, वेरी क्लोज टू माय प्रोफेशन। 6 सितंबर 1965 स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी, ये हमारे पायलट थे, कैंट में एक सड़क बीन के नाम थे, इनके घर में टेलीग्राम आता है, ये खुद जंग में गए हुए हैं। Telegram says, some days after the war had started in September 65, an emotional message arrived in Telegram at House 22, Victoria Road, Raj. It read, regret to inform you, your son, squad leader Sarfaraz Rafiqi, failed to return from a mission against the enemy. Abhi afsos ke saath kehna pad raha hai ki aapka beta ek jangi mission se wapas nahi aaya. Aur agla message tha ki agar koi pata lagega to hum aapko batayenge. Ab aap puchhenge, hua kya? Hua ye tha ki ये बॉर्डर की लाल सी हल्की सी लाइन नजर आ रही है, शायद कलर की वैसे ना नजर आ रही हो, ये लाल वाले जा रहे हैं ये हिंदुस्तान के और ये वाली साइड ग्रीन से नजर आ रहे हैं सर्कल्स पाकिस्तान के। ये चार रनवे तकरीबन है और तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिसाइड किया हुआ था कि पहले दिन जंग शुरू होगी तो हम इसको तबाह कर देंगे। और तबाह क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बता, वो तबाह इसलिए किया जाता है कि जब ये रनवे तबाह कर देंगे हम तीनों तो यहां से नंबर वन दुश्मन के जहाज टेकऑफ करके इधर नहीं आ सकेंगे और जब हमारे जहाज उधर जा रहे होंगे तो यहां से कोई टेक ऑफ नहीं करेगा और उनको मुदाफियत या रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। दो फायदे होंगे, बड़े बड़े दो फायदे। तो इनको जंग शुरू होने के पहले दिन शाम को तकरीबन अब से 40 मिनट बाद अटैक होना था 1700 व्हिच इज कॉल्ड 5 PM द वॉर डे। अनफॉर्चुनेटली हुआ उस वक्त भी कोई मिसकैलकुलेशन हुई और सियालकोट सेक्टर पे 600 टैंकों के साथ हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। लाहौर में हिंदुस्तान की फौज बीआरबी तक आ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स को कहा गया कि छोड़ो अपनी प्लानिंग, लाहौर और सियालकोट बचाओ। तो एयरफोर्स सारी डिवर्ट, मोस्टली एनर्जी सब डिवर्ट कर दी टैंकों को रोकने के लिए और लाहौर बीआरबी का कब्जा रोकने के लिए। तो ये हुआ, ये तीन स्ट्राइक प्लान होनी थी, एक स्क्वाड्रन सर सजाद हैदर ने पिशावर से करनी थी, इन्होंने पठानकोट अटैक करना था, दूसरी हमें मालम ने करनी थी आदमपुर, और तीसरी स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी जिनका मैंने अभी जिक्र किया उन्होंने हलवाड़ा अटैक करना था। ये दो जो स्ट्राइक्स हैं ये पूरी फॉर्मेशन थी और हर फॉर्मेशन का ज़हन में रखिए 8-8 जहाजों ने जाना था, 8 इधर 8 इधर 8 इधर। ये स्ट्राइक गई एज प्लान 8 जहाजों की और तबाही करके 13 जहाजों को जमीन पर तबाह करके वापस चली गई। हीरोज़ टू बी ए कमोडोर सजाद हैदर जिंदा है, मेरे साथ एक कास्ट है, क्लोज टू 90 इयर्स एज नाउ। हमें मालूम यहां गए तो इनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिली और इनको अटैक करने में कामयाबी या टाइम नहीं मिल सका, तो इनकी पूरी फॉर्मेशन बगैर हमला किए वापस आ गई पर बहुत सारे जहाजों ने घेर लिया क्योंकि सरप्राइज इधर खत्म हो चुका था 5 बजे। अब जहाज आर्मी की तरफ क्योंकि चले गए हैं तो 8 की बजाय 4 जहाज मिले, एक जहाज का कोई इंजन का प्रॉब्लम हुआ, 3 पायलट बचे और 3 ये लिप थे सिसिल चौधरी रफीकी और यूनस, ये 3 जहाज लेके 8 की बजाय बॉर्डर पार करके जा रहे हैं और 1 घंटा तकरीबन 1.25 घंटा लेट पहुंच रहे हैं अपने 5 बजे के टाइम से क्योंकि जहाज यात्री अब तक तैयार नहीं हो रहे थे, घोड़े थे तो वेपन हो रहा था लग रहे थे, फ्यूल भरा जा रहा था, इस तरह की चीजें हो रही। अब आप बेंग सिविलियन अगर साहब को बताया कि हम सरप्राइज एलिमेंट इज ओवर, पीपल वर वेटिंग फॉर देम कि अब उनको पता था 2 रन पे तबाह अटैक हुआ है, अटैम्प्ट हुई है, अब तीसरे पे भी हमला आए ही आए। सो वो सारी की सारी एयरफोर्स उनके बड़ी ह्यूज नंबर अबाउट 15-20 एयरक्राफ्ट वाली एयर पेट्रोलिंग वेटिंग फॉर दीज 3 एयरक्राफ्ट। 3 जहाज एंटर हुए तो कोई 10 जहाज इनको पड़ गए। मैं टेक्निकल चीजों से आपको बोर नहीं करूंगा, इवन द लीडर एक दुश्मन को मार गिराया, दूसरा मिसाइल मारा, दुश्मन को नहीं लगा, गन फायर की तो इनकी गन जैम हो गई लीडर की।
गन नहीं चली। अब इनके पास दो मिसाइल थे, दोनों फायर हो चुके थे, गन चल नहीं रही थी, असला कोई नहीं था। पीआईए के जहाज में और उस फाइटर जहाज में कोई फर्क नहीं था, दोनों उड़ सकते थे, फायरिंग नहीं कर सकते। कॉम्बैट फ्लाइंग का ये रूल होता है कि नो वेपन नो फाइट नो स्टेइंग इन द एरिया। कोई जंग नहीं, वहां ठहरना नहीं, वापस, बिकॉज अब मारे जाएंगे थोड़े देर से बाद, क्योंकि आपके पास असला ही कोई नहीं अंडरटेकिंग। तो टेक्निकली इनको छोड़ के उन दोनों को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन बीइंग अ लीडर इन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस चला गया तो ये दो जहाज बच के नहीं आए। तो एज ए लीडर इन्होंने ऑप्ट किया कि मैंने वापस नहीं जाना। तो क्या करते वहां पे, इवेंट ऑफ 10,000 फीट ऊपर हाइट पे चले गए और बर्ड्स आई व्यू से इन दो जहाजों को 7-8 जहाजों से लड़वाना शुरू कर दिया और रेडियो पे इनको कॉलिंग देते रहे, टर्न लेफ्ट करो, ऊपर से देखो जहाज आ रहा है, इससे बचो, उसको पकड़ो, इधर देखो पीछे। इंडियन परेशान थे, उनकी बात की किताबें मैंने पढ़ी हैं, दे वर शॉक्ड कि इधर उनका पाकिस्तान का रडार भी कोई नहीं है, तो ये कौन इतना सुपर्ब फाइट करा रहा है, जैसे कोई देख रहा है और लड़वाई जा रहा है, देख रहा है लड़वाई जा रहा है, कोई मनूवर करते हैं वो रिपोर्ट हो जाता है इनको, पायलटों को पता लग जाता है पीछे आ रहा है मारने लगा है, वो इधर मुड़ जाता है। तो वो कहते हैं इसको किसने बताया था कि मैं मारने वाला था, ये बाद में इंडियन की किताबें देखा था, दे वर शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है, टिल द टाइम समबडी रियलाइज कि ये जरूर इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो उन्होंने देखा, फ्लाइंग ऑफिसर गांधी थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने ऊपर देखा एक जहाज उड़ रहा है, उन्होंने कहा यही कंट्रोल कर रहा है, इवेंट एंड शॉट इट, क्रैश्ड, ऑब्वियसली एक शहादत थी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि आज तक जाहिर है पाकिस्तान को डेड बॉडी नहीं मिली है। अब ये सारी लड़ाई हो रही है, सिर्फ पिक्टोरियल में कोई काम को दिखाऊंगा, लेकिन ये जो 5 मिनट की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, सवाल ये है कि इसका क्या पर्पज था वहां ठहरने का, क्यों ठहरे थे वहां? आप लोग बोलेंगे मेरी स्टोरी बस इतनी, वन स्ट्रेच में मैं इतना ही बोल रहा था, बाकी मैं आपको साथ साथ बुलवाता हूँ। क्यों इन्होंने कहा कि मैं ठहर जाता हूँ और नहीं वापस जाता, क्या पर्पस था, क्या मकसद क्या होगा? एनीबडी प्लीज फील फ्री, कोई आप, मैं ये नहीं तवक्को कर रहा कि आप लोग पढ़ लिख के क्यों नहीं आए और आपने ये स्टोरी क्यों नहीं सुनी पहले, अंदाजे से बताएं। Where the amount column had said up to and including my life. क्या वजह कि उसने एक चेक साइन कर दिया ब्लैंक, ये लिख के जिंदगी के प्राइस। The reason was one, मोरल अपनी जगह, मोटिवेशन अपनी जगह, कॉमरेडशिप अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, लीडरशिप अपनी जगह, सपोर्ट अपनी जगह। What was he doing उस एरिया में? One thing, communicate. Look at the value of communication. It saves lives. Unfortunate part ये हुआ कि सिसिल चौधरी सिर्फ अकलौते थे वापस आए और यूनुस भी वहाँ शहीद हो गया और सिसिल चौधरी वाज़ द ओनली वन। और आई हैव ऑनरेबल लेडीज, मैं इनके ऑनर में थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ 30 सेकेंड की स्टोरी। सिसिल चौधरी केम बैक, उनसे बाद में एक दफ़ा बात की तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि जब रफीकी हम जहाज पर जा रहे थे, हम लोग तीन थे, जाना 8 में था, तो हमें पता था कि 1 वे टिकट है। And Sissel Chaudhary was newly married. Sissel Chaudhary कहते हैं जब मैं जहाज पे जा रहा था और सरफराज रफीकी अपने जहाज पे जा रहा था तो मेरे लीडर है पीछे से आवाज दी, कहते सिसिल वापस आए। हमारे एयरफोर्स में हम बीवियों को, जो दूसरे दोस्त के कुलीग की बीवी होती है, हम भाभी कहते हैं, भाई गिनते हैं उसको, ब्रदर एंड ऑब्वियसली हिज वाइफ इज भाभी, या उसको नाम से अगर कोई बड़ा हो जैसे स्क्वाड कमांडर है उसी यूनिट का तो वो नाम से पुकार। सिसिल चौधरी क्रिश्चियन थे और सिसिल चौधरी के भाई का नाम था एलिस। तो जिंदा बच जाने के बाद उनको कहते हैं कि मैं जब जहाज पे जा रहा था तो मुझे बुलाया इसने सरफराज रफीकी ने और उसने अंग्रेजी में कहा, मुझे पता है एलिस मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब वह तीनों का जज्बा देखिए, दोनों तरफ से लीडर का भी जिसको पता है कि मैं इस मिशन पे इसको ले जा रहा हूं तो एलिस मुझे माफ नहीं करेगी। तो सिसिल कहता है कि मैंने सरफराज को कहा कि बॉस जब हम दोनों ही वापस नहीं आ रहे तो एलिस को कौन जवाब देगा,
कमिटमेंट। ये सारा मैंने आपको बताया क्यों है कि एक लफ्ज जिसके लिए ये बंदा उधर ठहरा, इसने अपनी जिंदगी कुर्बानी दी, जो फायदा दे रहा था टीम को सबसे बड़ा था कम्युनिकेशन। सो मैं वैल्यू बताना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, क्योंकि आपकी वर्थ आप कम्युनिकेशन बताती है। मैं भी साबित करने की कोशिश करूंगा कि आपकी वर्थ कैसे बढ़ती है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन प्लेज मेजर रोल इन डिटरमिनिंग आवर वर्थ। हम क्या हैं वो किसी बहुत बड़े मुफक्कर ने या सूफी के पास कोई शख्स आया, बहुत जबरदस्त लिबास पहना हुआ था और खामोश आके खड़ा हो गया ऐसे उस सूफी के पास। उन्हें उस शख्स से कहा कि देखने में तो बहुत मुतबिर मालूम होते हो, और की जगह देखने में तो बहुत मुतबिर मालूम होते हो, कोई बात करो ताकि तुम्हारी हैसियत हो। ये हैसियत तो दूर वही है, जितने मर्जी महंगा लिबास में पहन के चला जाऊं, जो मैं बात करूंगा तो असल मेरी वर्थ वहां से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंस है। ये जहाज है, मैं आपको अपने से भी एक छोटी सी बता, मिलिट्री का बंदा मैं, एयरफोर्स में हूं तो वो चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा, मेरा वो हाल है। ये वाला फाइटर जहाज था, थोड़ी सी पिक्चर अच्छी नहीं है। आई वाज द स्क्वाड कमांडर, जैसे रफीकी अपने जमाने में उनके बराबर नहीं हूँ, पाक भी नहीं हूँ, इतना जबरदस्त लीडर है मेरे लिए तो रोल मॉडल है। आई वाज ऑल्सो कमांडिंग अ फाइटर स्क्वाड्रन क्वेटा के पास, जैकबाबाद के पास, हम छोटा सा रेलवे स्टेशन सिंधी के पास, उसको अटैक करने के सिमिलेट प्रैक्टिस, एक्चुअल बॉम्ब नहीं फेंकने थे, वेपन नहीं फायर करना था, लेकिन आई वाज प्रैक्टिसिंग। चार जहाज थे, एक एक करके डाइव करते हैं, जैसे रेक्टेंगल में बॉक्स होता है, एक ने अटैक किया, फिर दूसरे ने अटैक किया, फिर तीसरे ने अटैक किया, चार अपने अपने जैसे बॉक्स की तरह पूरे करते हैं एंड देन वी कम बैक। असल वेपन हो तो फायर होता है, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आके देख सके कि किसका निशाना अच्छा लगा किसका नहीं लगा। सो आई डाइव उस रेलवे स्टेशन को, इतना छोटा सा कि शायद स्टेशन मास्टर खुद भी नहीं पता होगा कि इतना छोटे स्टेशन का नाम क्या है। ढूंढ लिया, बट्टी डेजर्ट के अंदर था, जैकबाबाद की मट्टी। तो मैंने अटैक करने के बाद पुल अप किया, नंबर टू केम इन टू अटैक। अब मैं इधर जा चुका हूँ टर्न करके, और मेरी एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी कि सबको वापस फेरे से लाना है, ऑपरेशन लाना है। तो मुझे लगा कि नंबर टू डाइव में जाते मैं देखता जा रहा हूँ। अब मैंने छोड़ दिया देखना, ना मैं अपना जहाज सेटिंग देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे रेडियो पे मेरा छठी हिस्स कहती थी कि इतनी देर में नंबर टू की कॉल आनी होती है, रेडियो कॉल देते थे, लीडर इज इन, लीडर इज ऑफ, टू इज इन, टू इज ऑफ, टेलिंग अदर्स कि मैं ऑफ का मतलब ये है कि मैं आई पुल्ड आउट सेफ, नंबर थ्री इज ऑफ, फोर इज ऑफ, जब फोर ऑफ होता है तो फिर लीडर कहता है लेट्स गो बैक। तो नंबर टू का मेरी छठी हिस्से कहा कि कॉल क्यों नहीं आ रही उसकी, अब मिली सेकंड है सारा, 15 मिनट नहीं है कि मैं चाय शायद पी ली वहां जाऊँ, मिली सेकंड में मैंने कब तक उसकी टू ऑफ की कॉल आनी चाहिए और कॉल क्यों नहीं आई। मैंने उसको देखा तो नंबर थ्री उस नहीं पहुंचने वाला था अटैक का, तो टू मुझे नहीं पता किधर। छठी हिस्स, सिक्स सेंस, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वसीला मुझे बनाना था। आई गेस्ट दैट ही इज स्टिल इन अ डाइव, क्योंकि मुझे नीचे को मट्टी छटी नजर नहीं आ रही, खुदा ना खासा क्रैश कर गया। आई शाउटेड एट टॉप ऑफ माय वॉइस, आई सेड नंबर टू पुल अप, पुल अप का मतलब है कि डिसकंटिन्यू द अटैक, पुल करो जहाज को वापस। एंड थोड़ी देर बाद मैंने पूरी मट्टी में उसके, ऐसा लग रहा था जैसे गुबार का तूफान आ गया नीचे जमीन पर, मैंने कहा क्रैश कर। एंड आफ्टर मिली सेकेंड आई सॉ एन एयरक्राफ्ट कमिंग आउट ऑफ द डस्ट, पैरिस से लैंड कर गए। डिब्री मैंने पूछा क्या हुआ, कहता वो मेरी एमिंग साइट नहीं हो रही थी, तो आई गॉट एंग्रॉस्ड एंड फॉरगॉट अबाउट द हाइट मैनेजमेंट। उसने कहा जब आपकी कॉल ना आती तो मैं शायद ग्राउंड में चला जाता। एंड व्हेन ही पुल्ड अप ही सेड, मैंने मुझे रेलवे लाइन के फटियां नजर आ रही थी। आई वाज सो लो एंड आई गिव अ कॉल पुल अप, एक रेडियो कॉल नंबर टू पुल अप एंड व्हेन ही पुल्ड अप। Unfortunate part, एक और है कि बाद में he met another accident, he lost his lower limb and died later on because of back injury, because of that. सिर्फ बताने का, सारी story बताने का मकसद ही होता है कि ये आप जिंदगी में, हम लोग अब करते हैं जी थोड़ी सी लाइट बात, फौज से बिल्कुल हट के, फौज का काम खत्म। बड़ा बेसिक सा सवाल है, हर एक के पास अपनी जस्टिफिकेशन हो गया। I want to ask you,
एक्सपेंसिव गाड़ी क्यों खरीदते हैं हम लोग? जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता है गड्डी होगी तो तेरी मजा आएगा ना, गड्डी अब मैरान मिल जाती है तो कहता है आए तो मैरान लेकिन छोटी है, एसी भी थोड़ा है, पिक भी काट है, ये भी मसला है। फिर कभी करोला आ जाती है तो कहता है करोला यार लेकिन वो मर्सिडीज चलाता है, मजा मर्सिडीज का हो गया। तो करते 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 तो क्या है ये सेफ्टी जबरदस्त। मैं तो समझ जाता खातून सबसे पहले मुझे कहेगी टॉप वास्ते उसी कहता सेफ्टी जी। सवाल नहीं करूंगा आपसे जो आप कहेंगे तो ये आपकी शर्मिंदगी हो जाएगी, ये कहेगा कि ये तो आता ही नहीं इसको यार, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं आता इसको। तो यू से व्हाटएवर यू वांट टू से, एक्सपेंसिव कार, कंफर्ट है, स्टेटस है, सेफ्टी है, कोई और वजह? लाल बत्ती से चुपचाप गुजर जाऊंगा, मेरे को इस तरह की गाड़ी होगी मैं कहूंगा यार बत्ती बड़ी जल्दी हरी हो गई है ला देने, बच्चा देख रहा है गड्डी, सात वाला बच्चा खड़ा देख रहा था तो लाल बत्ती जल्दी हरी होगी क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द महंगी चीजों को इसलिए रखते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। पहली चीज कंफर्ट भी ठीक है, सेफ्टी भी ठीक है, ग्रिप भी ठीक है, पिकअप भी ठीक है, व्हाटएवर, पर हम अपने आप को दुनिया को जब आप घड़ी मैंने 2 लाख की पहनी हो तो मेरा वैसे ही दिल करता है मैं आपकी तरह यू करता रहूं क्या आप देख लें ये 2 लाख की ज्वेलरी। जिस दिन भगवती ने नई चूड़ियां पहनी होती है पार्टी में वो कोई ऊंची वाली पाके जाता है जो बाजू से जरा पता लगेगा आज ही चूड़ियां आई हैं। व्हाई डू डू दिस? यू डू दिस बिकॉज यू वांट टू से ये मैं हूं। अगर आप ये हैं तो मेरा एक सवाल एक और है। तीन चीजें से हम कन्वे करते हैं हम अपनी पर्सनालिटी, हम जितने लोग हैं ना हम तीन चीजों से अपने आप को जाहिर करते हैं, मार्केट करते हैं, द वे वी स्पीक, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी कीप एंड व्हाट वी बिलीव। आपकी वर्थ तीन चीजों से, लेकिन तीन चीजों में से मेरा सवाल ये है क्योंकि things that we say, keep and believe in are the symbol of our identity. मेरी पहचान है, बड़ा सौखा आदमी है, बड़ा स्टाइलर आदमी है, बड़ा महंगा सूट पहना है, सिंबल अटैच करते हैं हम अपने साथ वो अटैच। मेरा सवाल ये है कि सारे का सारा जोर हम इस पे देते हैं। आपने नोट किया कभी कि हमारी जिंदगी में हमारे जो पैसों की स्पेंडिंग है वो मोस्टली इस पे है, व्हाट वी कीप, शूज कौन से पहने, ज्वेलरी कौन सी पहने, कपड़े कौन से पहने, गाड़ी कौन सी पहने, मोबाइल कौन सा रखा, टीवी कौन सा रखा है, इस पे ये बिलीव अपना अपना रिलीजन को यू बाय मेरी क्रिश्चियन बाय मेरी हिंदू व्हाट टू बी मिस मुस्लिम। लेकिन कितने लोग इस पे जोर देते हैं कभी हमने सोचा? I am thankful to the management जो सामने बैठी है that you were requested to come and join because you आप किसको improve करने आए हैं, इसको focus करने आए हैं। ये सारी artificial है, ये hidden है, ये artificial है। मैंने आपको क्या कहा कि हैसियत आपकी वो बताएगी जो ये आप बोले important चीज। Life का purpose वैसे मैं फलसफियाना बात तो नहीं है but आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? एक लफ्ज किसी का, ये देखे कोई सिलेबस का सवाल नहीं है। यू कुड हैव वन पर्पस, आई कुड हैव वन पर्पस, मेरा एक पर्पस है जो मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, आप सारे एग्री करेंगे उसे, आप उससे होपफुली एग्री करेंगे जो मैं कहूंगा कि यार ये मेरा पर्पस था। नहीं लगता सर वहां पहले वहां से जिंदगी का एक ही मकसद है कि हर एक अपना अपना हो सकता है, किसी का मजहब के पॉइंट से होगा, किसी का फैमिली का। जब आपकी गुड लाइफस्टाइल होगी व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा? अच्छा घर होगा, गाड़ी
बॉडी होगी अच्छी और सब ये नौकर चाकर एवरीवन वांट टू दिस लाइफस्टाइल यस चलें परफेक्ट हो एक अच्छी जॉब और सैलरी अच्छी हो सब चलता है बॉटम लाइन हुजूर वी ऑल वांट टू क्रिएट बेटर मोमेंट्स इन लाइफ पैसे होंगे तो क्या होगा यू हैव बेटर मोमेंट्स अच्छी गाड़ी होगी तो क्या होगा यू हैव बेटर मोमेंट्स अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा खतून को एंड वाइस वर्सा बीवी बोथ वेज आई एम नॉट सेइंग तो व्हाट विल यू हैव यू विल हैव बेटर मोमेंट्स चलिए ये तो थोड़ा सा मैंने आपको जरा बिल्डअप करना था जी आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन वर्सेस कनेक्टेड की मैं उस पर लाता हूँ लेकिन उससे पहले द एम ऑफ दिस सेशन इज टू फाइंड वेज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट उससे पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल एक मैं करने लगा हूं आपसे कैसे रेलेवेंट है ये आपके लिए यार आपको कनेक्ट टू पॉजिटिव कम्युनिकेशन मुझे क्या फर्क पड़ता है कभी आपने देखा है कि इतने छोटे बच्चे के साथ जब आप बातें कर रहे होते हैं तो उसे ये बात कर रहे होते हैं कि हेलो आई एम प्रोफेसर फलाना फलाना और आई एम द रेस्टोरेंट मैनेजर हेलो डू यू नो आई एम द पीएचडी आपको पता मेरे पास कौन सी गाड़ी है तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा मोबाइल देखा जो तुमने मैंने पकड़ाया खेलने के लिए कितना महंगा है डिड यू एवर टॉक लाइक दिस टू द चाइल्ड नो अगर मैं आपकी वो रिकॉर्ड कर लूं आवाज तो आप अगले दिन हंस के थक जाएंगे कि ये मैं नहीं हो सकता उससे पूछी सीधी हरकतें कर रहे थे जुबान निकाल रहे थे आवाजें ऐसी ऐसी निकल रही होती हैं मैं आपसे कहूं यार मुझे भी निकाल के दिखाओ कहेंगे पागल हो ये सुनो अपने बच्चे के साथ जो आप बात करते हैं मैं आपको रिकॉर्ड कर दूं तो अगले दिन आप कहेंगे यार किसी फॉरवर्ड ना कर दे यार ऐसे ही क्यों Because you lower yourself to the level of the child to connect, ताकि बच्चा हंसे, response दे, खिलखिलाए। हम वो तो कर लेते हैं बच्चे के साथ अपने आप को adjust, बड़ों के साथ adjust नहीं करते। छोटे बच्चे के साथ क्या हरकतें कर रहे होते हैं? Job recording नहीं देखना चाहते, लेकिन बड़ों के साथ connection में क्यों नहीं हम थोड़ी सी मेहनत? सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इलाज ला रहा हूँ ताकि हम कनेक्ट करें वो बोलने चालने के मेरे बंदे को तो जब छोड़ दें मैं अंग्रेजी में कहते थे द ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग एट द मोमेंट यू आर बॉर्न एंड नेवर स्टॉप्स अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक उस वक्त तक आपका दिल चलता रहता है जब आप पैदा हुए और उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपको पब्लिक में बोलने को ना कहा जाए कुछ भी नहीं है सिर्फ आपने एक प्रैक्टिस करनी है मैं आगे बात करूंगा टोटके बताऊंगा एक चीज है मैं आपके पे सारे कुछ मोस्टली लोग कॉर्पोरेट के हैं तो मैं देखिए ये टेक्निकल नहीं है ये डब्बे से घबराए मत ये बड़ा ही सिंपल है यू विल एंजॉय इट राइट अवे मैं अभी आपको बता दूंगा ये कम्युनिकेशन अच्छी है ये टैलेंट अच्छा एक एक आप में से जो मैनेजर है फूड टेक्नोलॉजिस्ट है फूड का वो है न्यूट्रिशनिस्ट है यू मे बी द बेस्ट टैलेंट किधर कमजोर है और यू मे बी बेस्ट है बट यहां कमजोर है जो जब दोनों में कमजोर होता है नो स्किल्स एंड नो कम्युनिकेशन उस शख्स की उससे दुनिया हिसाब लेती है या वो हिसाब रखती है उसका यू समझ में एक और केस गुड कम्युनिकेशन पुअर सॉरी गुड स्किल्स पुअर कम्युनिकेशन यानी आपका टैलेंट अच्छा स्किल अच्छी है बट कम्युनिकेशन आपको नहीं आती कॉर्पोरेट लोगों से मैं फोकस कर रहा हूं आपको या आम लोगों को Useful people but not recognized. Why? Because वो marketing नहीं जानते अपनी करना. They don't know how to project themselves. They're good. एक और category. तीसरी. Communication अच्छी है. Talent या skill नहीं है. So no skills, good communication. Dangerous. They are fakers. जाली लोग हैं. Unauthentic. They oversell because most. सुबान की तो मैं कहता हूँ ना गल्ला नहीं खांदा. वो ये करते हैं बातें कर करके आपको इंप्रेस लेकिन फेकर होते हैं और जो लोग कम्युनिकेशन में भी अच्छे होते हैं दे हाईली स्किल्ड एंड गुड इन कम्युनिकेशन अगेन दे यूज़ टेक्स केयर ऑफ देम ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा यहां मैं नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं उन्हें द लाइफ ऑफ इट एट द असली वाला लाइफ ऑफ इट क्योंकि द गॉड टेक्स केयर ऑफ यू द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ यू गुड इन कम्युनिकेशन गुड इन टैलेंट तो हमने इसको टारगेट करना है ये वक्त ही है ये इसका तो वैसे ही गुजारा नहीं है लोग आपको छोड़ेंगे नहीं ये आपको हायर नहीं करेंगे हायर करेंगे लेकिन प्रमोट नहीं करेंगे और यहां पकड़े गए तो फिर
सिंपल टू अंडरस्टैंड. दुनिया में दो चीजें इस वक्त आज की मॉडर्न दुनिया में, देयर आर टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉकिंग स्मार्ट एंड लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट. ये स्किल है सर, बाकी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पीएचडी बन जाए. मैंने पिछली स्लाइड पे क्या कहा, गुड स्किल गुड कम्युनिकेशन. ये दो चीजें अगर आपको अपने बारे में नहीं आती, टॉकिंग स्मार्ट एंड लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट. क्यों? क्योंकि मैं ये अर्ज कर रहा हूं, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एज ऑफ एम्पावरमेंट कॉम्पिटिशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज. इस चीज के लिए मस्ट है सर, ये इंग्रेडिएंट हो गया हुआ है. यू मे बी द बेस्ट पीएचडी डॉक्टर, द मोमेंट आई टॉक टू यू वो कह रहे यार बात डिग्री डिग्री है, गल बात नहीं आती. कर आप जिंदगी में जब रिलेशनशिप किसी से बिल्ड करेंगे, कस्टमर हो सकता है, वालदैन हो सकता है, मे भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, यू गॉट टू हैव द पिलर ऑफ ट्रस्ट. मियां बीवी क्यों मियां बीवी है? दे हैव अ पिलर ऑफ ट्रस्ट. एम्प्लॉय क्यों एम्प्लॉय है? बिकॉज ही हैज अ लेवल ऑफ पिलर ऑफ ट्रस्ट विद द बॉस. रिलेशनशिप पिलर ऑफ ट्रस्ट के बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट है. वन इज कम्युनिकेशन, जिससे आप कनेक्ट करते हैं सबसे पहले. नंबर टू इज ट्रस्ट. ट्रस्ट किसी को आइडिया है थी? किसी को मैंने लास्ट टाइम कुछ लोगों से कवर किया था, आप लोग नहीं थे मोस्टली. किसी को आइडिया है ट्रस्ट? मैंने एक दफा कवर किया पहले, फल सब लोग जो नए आए हैं वो अपना बताएंगे, जिन्होंने सुना है उसको छोड़ो. मैं आपको बताऊंगा घर जाके याद रखने डेफिनेशन आता है ट्रस्ट कैसे. आपको बच्चा इतना सा पूछता है 8 साल का, ट्रस्ट बताएं क्या होता है, तो उनको क्या कहेंगे? एतमाद. लेकिन वो बच्चा रखते हैं उनको, फिर ट्रस्ट ही ठीक है. वो कहेगा एतमाद रखो, कॉल ट्रस्ट ही ठीक है. देखो ना जी, अड्डी गल करना है ना. बच्चे को पहले समझाए ट्रस्ट का, फिर बताएंगे मियां बीवी का ट्रस्ट है. ट्रस्ट को मैं पहले अंग्रेजी में कर देता हूँ जी, जो अंग्रेजी समझता है उसमें उर्दू में करता हूँ. ट्रस्ट इज सिंपल लफ्जों में गिविंग समवन द एबिलिटी टू डैमेज और डिस्ट्रॉय अस एंड हैविंग बिलीफ एंड कन्विक्शन दैट ही और शी विल नॉट यूज दिस ऑप्शन. बुजुर्ग जी जेट स्पीड. एतमाद वो चीज है किसी को इस काबिल बनाना कि आपको नुकसान, शोहरत भी, इमेज भी, रेपुटेशन भी, आपको नुकसान पहुंचा सके. किसी को इस काबिल बनाना कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके इस ईमान के साथ कि वो ये ऑप्शन यूज ही नहीं करे. तो ये रिलेशनशिप की पहली इंग्रेडिएंट है सर, यू गॉट टू हैव ट्रस्ट. आपके पीछे रेस्टोरेंट चल रहा है ना, सारे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? They have trust, you have trust. Trust नहीं हो क्या चलेगा? आप अभी अब फिट करें अपने जो पीछे छोड़ गए, इन्हीं का रिलेशनशिप तो बड़ी दूर की बात है. मियां बीवी बच्चे बड़ी दूर. Giving someone the ability to damage or destroy you with a belief that he will not use this option. पीछे लोग काम कर रहे हैं ना कि आपको आपको मायूस नहीं करेंगे. ओके, तो रिलेशनशिप की जड़ है सर ट्रस्ट, और उसके बाद ऑब्वियसली इट विल लीड टू ट्रस्ट. And then when you have trust and everything, you have pillar of trust, you'll be able to manage conflicts, problems, issues, challenges, corporate, day to day. Trust nahi hai, to aap kehenge maa bimaar hai, kehte jhoot baat hai. Chhe dafa jhoot bol raha hai, satvi dafa genuine bimaar hai, to usne kaha ji meri mandai boli, he will leave you. But usse aapne chutti nahi di. You buy people through trust. Khareedna hota hai. मेरा एक कुछ मैं छोटी सी एक मिसाल दूं. हमारा जेसीओ था, वाज द बेस्ट कमांडर इन कराची. कोर्स करने आया, कोर्स में लोग कराची आते नहीं थे, सीनियर आते थे, बच्चों को पीछे छोड़ के आते थे. मुझे उसकी उसी ने कहा सर वो तो कहता है मेरा पीछे घर चार सदा में घर है, फ्लड आया घर गिर गया. मैंने कहा फिर क्या करना? कहता सर झूठ बोलता है, बड़े लोग ही ऐसा ही कहते हैं, ये कोर्स कैंसिल कराना चाहता है. ठीक, मैं सिर्फ आपको मैनेजमेंट को ही बता रहा हूँ कि ट्रस्ट कैसे पहुँचना. मैंने कहा यार क्या करें? कहता सर कैंसिल नहीं करना इसका कोर्स, वापस विल नॉट सेंड हिम बैक, ये बहाने को लिए.
फिर थोड़ी बहुत आया सर वो आपसे मिलना चाहता है, मैं उनका भेज दो मुझे मिलने आ गए। बेस कमांडर जनरली जेसी उसको नहीं मिलता बट ही सेड मिलना ही आ गया। इससे पहले मैंने उसका फोल्डर मंगवाया, सोचें आप भी ये टेक्निक कर सकते हैं। मैंने उसका फोल्डर मंगवाया जिसके अंदर बायोडाटा, होम एड्रेस, ब्रदर एड्रेस, फादर नेम, गाँव के पोस्टल एड्रेस, आजकल मोबाइल आ रहे हैं लिखे होंगे, नेक्स्ट ऑफ किन भी होता है कि अगर तुम्हारा नंबर नहीं होता तो पीछे किसका है। तो मैंने उसका ढूंढा उसके भाई का नंबर, ब्रदर फलाना। मैंने अपने एजेंट को कहा जो एडीसी, उसको कहा इसको कॉल करो इसके भाई, डोंट टेल हिम एनीथिंग, टेल हिम क्या हाल है भाई का, रिचा का क्या हाल है। उसने फोन किया कि हाल है जनाब मकबूल शाह साहब, उन्होंने कहा जी ठीक ठाक है, पश्तो पढ़ो, वो पश्तो स्पीकिंग था मेरा एजेंट भी, उसने पश्तो में पूछा कि भाई रिचा का क्या हाल है। कहना यार वो खुद कराची यहां पे फंसवा गया है, इधर घर गिर गया, सारे बच्चे पर उसके मेरे घर में बैठे हुए। कितनी देर मुझे लगी टू लिव अप टू हिज ट्रस्ट इन मी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ही केम एंटर्ड माय ऑफिस सैल्यूटेड मी, मैं कहा बैठो क्या हुआ। आई डिड नॉट टेल हिम कि मैंने चेक कर लिया, ना मैंने उसको कहा था कि तुम बताना कि एयरफोर्स ने रिंग किया। उन्होंने कहा मैं दोस्त हूं उसका, आप समझे, एंटर हुआ सैल्यूट मारा बैठो। मैंने कहा क्या हुआ। सर वो घर पर बह गया, छत गिर गया, फ्लड आया फलाना। मैंने कहा आधे घंटे बाद एक 7:30 जा रहा है, जा सकते हो, पिंडी जा रहा है वहां से फिर आगे निकल जा। ही स्टॉप, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू हो गया क्योंकि मैंने उसको डाउट नहीं किया। अब मैं उसको जब वापस आएगा छुट्टी से मैं कहूंगा कुएं में छलांग मार, वो कहेगा जी मार भी दे चुका हूं, पूछ रहे हो अभी तक, दैट्स अ ट्रस्ट। ही वेंट होम क्राइंग, ही कुड नॉट बिलीव कि जो उसी उसको झाड़ रहा था कि तुम झूठे हो। बेस मार कहता आधे घंटे बाद 7:30 हमारी सीट करा दो। दिस इज हाउ यू ऑल प्ले टू बिल्ड दैट। चलें जी चेकलिस्ट पे बाद में आते हैं। यू गॉट टू बी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी, दो ऑप्शन है आपके पास, आपको पता होना चाहिए आर यू अ रिलायबल एम्प्लॉई और आर यू अ ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय, क्या है जी फर्क है दोनों में या नहीं फर्क है, पहले तो ये बिल्कुल है। Youngsters, I want them to engage sir. You are already qualified. तो आपके तो मेरे बारे में वैसे ही बैठे हुए हैं, तो आपको तो सारा पता है, but I want to engage youngster अगर कोई हो जाए ठीक है। अब youngster अगर मैं 20 साल से नीचे कहूँगा तो सिर्फ लड़कियाँ बोलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि तो बेहतर है youngster कह रहा हूँ तो मान ले वैसे ही जी। हनी बड़ी थैंक यू मैम, आप तो बोल रही हैं बट आप भी बोल रही हैं और भी कोई बोल सकते हैं जी। नहीं फर्क है, मैं कहता हूँ यार यू आर ट्रस्ट वर्दी एक, या मैं कहता हूँ यू आर रिलायबल, कौन सा आपको दिल को अच्छा लगता है। Trust, not reliable. Reliable क्या है? एक ही चीज है या उससे बेहतर वर्जन है या reliable ऊपर है, trust नहीं किया है, trust, 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 trust